الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد معزز حاضرين المجلس आज के इस बाबरकत महफिल में आपके सामने लड़कियों के लिए ईदम के लिए तहनीत और फवाद लापुशाई करने की जसारत कर रही है। उम्मीद है कि आप सब इस बार बहुत समझ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। प्यारी बहनों, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंसान की पहचान इसके इल्म से होती है। इल्म ही वो चीज है जो इंसान को देखकर हैवानात से मुमताज करती है। अल्लाह ताला कुरान में जिन इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून, यानी ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए इल्म वाले और भी इल्म को बराबर नहीं हो सकते। इसी तरीके से कुरान में जिन एक मकाम पर कहा गया यानी अल्लाह के बंदों मैं इससे अहल इल्म भी डरते हैं। पता चला कि इल्म दीन इतनी अहम चीज है कि इसके बगैर सही मामलों में हमारे अंदर अल्लाह का डर पैदा नहीं हो सकता। दीनी बहनों, इल्म दीन की तलब और इसका हसूल हर मुसलमान मर्द व औरत के लिए लाजिम है। इब्न माजा की सही हदीस है सरोरी को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी दीन हासिल करना मुसलमान पर फर्ज है। इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल है। मगर ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आज अगर तो लड़कियों को मतलब हम कामदारी में मैदान से दूर रखने की कोशिश की जाती है और अगर उन्हें तैयारी दी भी जाती है तो बस दुनिया, जबकि दीन का जरूरी इल्म लड़कियों के लिए ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर एक लड़का दीन का इल्म हासिल करता है तो इससे सिर्फ इसकी जात का फायदा होता है, जबकि एक लड़की की तैलीम दरअसल एक फैमिली एक खुम्बे की तैलीम है। इसलिए ये लड़की के इसलिए ये कि ये लड़की आगे चलकर अपने हासिल किए हुए इल्म की रोशनी में अपनी औलाद की तरबियत करेगी और पूरा एक घराना इसकी तालीम और तरबियत से फैजयाब होगा। लड़कियों के लिए इल्म दीन की इसी अहमियत के पेश नज़र हमारी शरीयत के मुख्तलिफ अंदाज में इनकी तालीम पर जोर दिया है। आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में एक दिन और क्यों औरतों के मौजूद नसीहत के लिए खास कर रखा था, इसीलिए तो कि उनको दीन का इल्म हासिल होता रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन में औरतों को जाने का ताकीद भी हुक्म क्यों दिया है, इसीलिए तो ताकि औरतें भी ईमान का खुतबा सुने और अपनी मालूमात में इजाफा करें। और अगर हम धोनी कपूर का जायजा ले तो हमें बहुत सारी ऐसी खवातीन मिलती है जो इल्म के आसमान पर आफ्ताब की हैसियत रखती है। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ले लीजिए, अगर इनकी हजारों कदी से हमें ना मिलते तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी घरेलू सुन्नतों का इल्म कभी ना होता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के इल्म व फजल का हाल तो ये था कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा के नाम इनके पास इनके मसाइल को चले आते और इनकी राय को अहमियत दी थी। बात में तो अपन है। अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम।